हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन मोडियम 20 में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए गए हैं अम्ल और क्षारक से इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि आपके बोडियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और हमारे प्रीवियस वीडियो जाकर जरूर देखें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, यानी एसिड। देखिए, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी जो अम्ल होते हैं वह स्वाद में खट्टे होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखिए ध्यान, नेक्स्ट पॉइंट है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। तीन नंबर पॉइंट देखिए, ये जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं, यानी अम्ल जो होते हैं वो अपने जलीय विलयन में एच प्लस आयन देते हैं। देखिए, जो पहला पॉइंट था, ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, ये जलीय विलयन में H प्लस आयन देते हैं। जब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट जो पॉइंट से, एसिड सब लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ खट्टा, यानी एसिड जो होता है वह सब लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है खट्टा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबल अम्ल, यानी प्रबल अम्ल कौन कौन होते हैं। आंसर होगा HCl, H2SO4, HNO3, यानी HCl, H2SO4, HNO3 प्रबल अम्ल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दुर्बल अम्ल, यानी दुर्बल अम्ल कौन कौन होते हैं। इसका आंसर होगा CH3COOH, और लैक्टिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल जो होते हैं वह दुर्बल अम्ल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है सांद्र अम्ल, यानी सांद्र अम्ल क्या होते हैं, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है, जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है। देखिए, तनु अम्ल, जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में होता है जबकि जल अधिक मात्रा में होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, देखिए क्षारक। देखिए, जो फर्स्ट पॉइंट है, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, यानी क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट है, ये लाल लिटमस को नीले में बदलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये जलीय विलयन में OH आयन देते हैं, यानी जो क्षारक होते हैं वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रबल क्षारक कौन कौन होंगे। इसका आंसर होगा NaOH, KOH, CaOH का होल टू। चलिए नेक्स्ट देखिए, दुर्बल क्षारक कौन 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 होते हैं। इसका आंसर होगा NH4OH दुर्बल क्षारक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्षारक जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, एग्जांपल में हो गया NaOH, KOH, MgOH का होल टू। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लवण अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया से प्राप्त होती है। जैसे एग्जांपल हो गया, उदाहरण के तौर पर एग्जांपल पर हो गया NaCl और KCl। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें।